हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज संडे है, संडे वाले दिन हम लोग निकल चुके हैं, कहीं जा रहे हैं किसी के यहाँ पर। और आपको ये ब्लॉग में पता चलेगा, आगे देखते रहिएगा, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो आपको पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं हूँ, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, पापा जी रह गए हैं केवल घर पर, पापा जी आए नहीं। तितली पकड़ना नहीं आती है? आती है, अच्छा। आती है, चलो नाना जी साहब, चलो अच्छा ऊपर है ये सब लोग। दीदी परेशान लोग, तुम मम्मी चढ़ लो पकड़ के चढ़ाओ, लाओ चढ़ाओ। मैं अपनी दीदी के यहाँ पर आई हूँ। फोटो खींच रही? हाँ फोटो खींच रहे हैं। मैं तो बहुत छोटी बना लेते हैं। अरे छोटी गाय के ले हो, आप तो बड़ी हो। ये हमारी दीदी हैं, हमारी मामा जी की बेटी, और मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ उनसे अपनी लाइफ में। इतनी बड़ी हो गई और इतना खास रिश्ता होकर फर्स्ट टाइम मिलना हो रहा है दीदी से। दीदी से मिल के बहुत अच्छा लगा, और अब मिलना हो गया तो आत्मा जाना होता रहेगा। और बिटिया कहाँ है दीदी? बिटिया होगा कहाँ है? मैं कहाँ कहाँ बेटा, आ जाओ। संडे वाले दिन मम्मी पापा के साथ में हम लोग अपने मामा जी की बेटी के यहाँ गए थे, और जो कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, यानी कम से कम मुझसे 20 साल बड़ी होंगी ये। उनके बच्चे ही मेरे बराबर के थे, और उनके बच्चों ने भी फर्स्ट टाइम देखा मुझे, क्योंकि मैं तो जन्म से फर्स्ट टाइम ही उन्हें मिली थी। मम्मी पापा का आना जाना होता रहता था, जैसे हमारे यहाँ आ रहे हैं तो दीदी के घर भी हो जाते थे, लेकिन मैं उनसे फर्स्ट टाइम ही मिली थी। मैंने कभी देखा नहीं था दीदी को और भैया जी को, कॉन्टेक्ट तो एक दो बार बात हुई है लेकिन फेस टू फेस नहीं बात हुई थी। तो पापा बोले चलो तुम्हें मतलब मिलवा लाते हैं, तो कभी आना जाना होता रहेगा, क्योंकि शादी के बाद लड़कों का ससुराल से कम निकलना होता है रिश्तेदारियों में, अपने घर ही कम जा पाती हूँ मायके में, तो रिश्तेदारी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है जाना आना। पापा जी हैं नहीं, अभी रख रही हूँ, चंड बता रही हूँ उसके। आ गए हम लोग घर पे, और अभी आए हैं, जस्ट अभी घुसे हैं यहाँ करके। आज संडे था, इनकी छुट्टी थी, बच्चों की भी छुट्टी थी, बच्चों की तो छुट्टियाँ चली रही हैं इतने दिन से, तो सोचा घूम आए उनके यहाँ पर, क्योंकि हर बार सोचते थे कि जाएंगे लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। आज मम्मी पापा थे तो मम्मी पापा बोले चलो घुमा लाए, फिर पता नहीं कब आना जाना हो, तो गए थे आज मिल करके आए हैं अभी। और चलिए चाय बनाते हैं, बच्चे थक गए, बच्चे सो गए थे रास्ते में बस में। चाय बनाते हैं, सबको चाय पिलाते हैं, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। कुछ भी नहीं करो, बैठने में जाने आने में ही थकान हो जाती, कहीं भी जाओ। और पापा जी पता नहीं कहाँ चले गए, चाय का वेट कर रहे होंगे। पापा जी नहीं गए थे साथ में, बोला था मगर गए नहीं साथ में। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर मिलती हूँ, कॉल करती हूँ, पापा जी को बुलाती हूँ चाय के लिए। कॉल करके देखो बाबा को, बेटा देख लिए थे कौन सी दुकान पे है? तो आया नहीं है मेरा, आ जाएगा।
यहाँ मैं बच्चों के नेल्स कट कर रही थी क्योंकि पूरा दिन तो हमें वहाँ हो गया और शाम को आई थी तो मुझे याद आया क्योंकि उसके नेल्स बड़े हो रहे थे और वहाँ भी हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे, एक ही दो घंटे रुके थे मामा जी की बेटी के यहाँ पर। और ज़्यादा मत लेके आना, केवल एक ही लेके आना। ज़्यादा मत दिलाना पापा जी, एक ही दिलाना, दोनों लोग खा लेंगे। एक ही दिलाना दोनों को, एक किलो नहीं। अभी हम अच्छे थोड़े ना आ रहे हैं। सभी लोग खाना खा चुके हैं और मम्मी टहल रही हैं, यानी पापा जी भी टहलने गए, मम्मी भी गई हैं और ये भी गए हैं। हाँ बेटा, नाना जी के साथ चले जाओ नीचे, देखो आवाज़ लगाना या बाबा से कह दो बाबा टहला लाएंगे थोड़ी देर, जाओ चले जाओ। तो चलिए इसी के साथ में मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, आज थकान भी बहुत हो गई है।